हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तस्मिया की दुनिया। तो फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में पकौड़े तो सभी खाते हैं, चलिए कुछ मीठा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी सा जूसी सा ये मिठाई बनाते हैं। तो ये है बालूशाही। तो ये बालूशाही सबको ज़्यादातर पसंद ही आती है, क्योंकि ये ऐसी मिठाई है ना, ऊपर से एकदम खस्ता रहती है और अंदर से हल्की हल्की सी चाशनी बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती है। तो इसे हम बनाएंगे बची हुई चाशनी से। अगर आपके यहाँ भी गुलाब जामुन की चाशनी बच जाती है ना, तो उसे फेंकिए बिल्कुल भी मत। आप उससे बहुत ही ज़्यादा और मजेदार सी ये बालूशाही बना सकते हैं। तो फिर चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप मैदा, मतलब 1 पाव मैदा है। इसे हमने अच्छे से छान लिया है। इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है जो केक वगैरह में हम यूज़ करते हैं। नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और तेल हम इसमें डाल देंगे। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बनता है, पर मैं तेल में बना रही हूँ, रिफाइंड तेल होता है ना, बस उसमें बना रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं ना, तो फिर आप थोड़ा सा दही डाल दीजिएगा, 1 से 2 चम्मच। तो अगर आप रिफाइंड तेल नहीं यूज़ करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ घी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनके तैयार होगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं तेल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगता है ये मिठाई में, पर बनती इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़्यादा टेस्टी ना, कि बस एक बार बनाओ और खाते ही रह जाओ। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सिर्फ आटे को इकट्ठा करना है, गूंथना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो फिर वो लेयर्स नहीं आएंगी जो आप चाहते हैं, एकदम हलवाई जैसा वो लेयर्स नहीं आएंगी। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, आप जैसा देख रहे हैं वीडियो में ना, मैं एकदम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और सॉफ्ट सा डो तैयार कर रही हूँ, और आटे को बिल्कुल भी गूंथना नहीं है। मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप आटे को गूंथ लेंगे, जैसे नॉर्मल हम रोटी वगैरह का आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ लेंगे, तो फिर वो लेयर्स नहीं आएंगी। इस तरीके से बस इकट्ठा करना है और इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। अगर आप भी इसी प्रोसेस से बनाएंगे ना, यकीन करिए आपकी बालूशाही हलवाई से भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होगी। जो जो खाएगा बस तारीफ ही करते रह जाएगा। तो मैंने आटे को रख दिया एक साइड में। तो यहाँ पे मैंने लिया है ये गुलाब जामुन का ये चाशनी, उसको हम डाल देंगे एक कढ़ाई में। तो ये 1/2 लीटर का डब्बा है, उसमें ही था, अब जितना हो आप लोग अंदाज़ लगा लीजिए। और उसके बाद ये देखिए थोड़ी सी चिपचिपी होती है ना, पर बालूशाही के लिए हमें 1 तार की चाशनी चाहिए होती है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 हरी इलायची, आपके पास हो तो 2 या 3 डाल सकते हैं खोल कर ऐसे। हमने 1 छोटे कप से 1 कप चीनी भी इसमें डाल दिया है, क्योंकि हमें चाशनी चाहिए 1 तार वाली, और ये हल्की चिपचिपी है। और इसको हम ज़्यादा पका लेंगे तो फिर ये मतलब कम हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें चीनी डाल दिया है। चीनी डालने के बाद हल्का सा फूड कलर डाल देंगे, क्योंकि मैं एकदम हलवाई स्टाइल बना रही हूँ, बल्कि हलवाई से भी अच्छा ये बना था, आप यकीन करिए, जिसने भी खाया बस तारीफ ही मिली है हर तरफ से। चीनी डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे, जब तक चीनी घुल नहीं जाती और अच्छे से ये पकने जाती है। अगर आपको ये ऊपर जो झाग दिख रहा है ना, उसको हटाना है, तो आप जब ऐसे चाशनी बॉयल होती रहती है ना, तो आप इसमें दूध डाल दीजिएगा, तो उसके बाद ये इकट्ठा हो जाएगी, आप निकाल सकते हैं। चाशनी पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये, मैं लास्ट वाला ऐसे दिखा रही हूँ, लास्ट वाला ड्रॉप्स कैसे ये गिरता है, तार जैसा बन रहा है, मतलब है कि चाशनी एकदम परफेक्ट है। फोकस पता नहीं क्यों यार हो ही नहीं रहा था उस पर, तो मैंने हाथ में लेके दिखाया है। ये देखिए हल्की सी तार बन रही है ना, बस परफेक्ट है ऐसी चाशनी। गैस को हम ऑफ कर देंगे, क्योंकि अभी हमें बालूशाही को फ्राई करना है, उसके बाद इसमें डालना है, तो हमें फिर से गर्म करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। ऊपर से मैंने इसको निकाल कर हटा दिया, ये ऊपर जो झाग था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और ये ठंडा होने के बाद वैसे भी गायब ही हो जाता है, पर मैंने निकाल दिया था। आइए आटे के तरफ देख लेते हैं। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है, इसको ऐसे खींच लेंगे, गूंथना नहीं है, ऐसे खींचना है, बस खींच लेंगे थोड़ी 2 से 3 मिनट के लिए, बस ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता, मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। अगर ज़रा सी भी मेहनत है ना, तो किसमें पता है, जब हम इसको फ्राई करते हैं तब उसमें क्या रहता है कि बहुत ही ज़्यादा स्लो आँच पर हमें इसको फ्राई करना रहता है। अब हम इसका बनाते हैं बालूशाही का शेप, तो थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मैं खुद ही ये बालूशाही मैं फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ अपनी अम्मी से पूछ के। तो आप बालूशाही की साइज़ को एकदम छोटा बनाइएगा, क्योंकि ये फूलते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूरी याद दिलाऊँगी कि आप लोग इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी बनाइएगा। मेरे बहुत बड़े बड़े से हो गए थे, पर चाशनी वगैरह अंदर तक जाती है, क्योंकि मैंने आटे को बहुत अच्छे से तैयार किया है और चाशनी भी हमारी एकदम परफेक्ट है।
पर छोटा बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसको हम ऐसे शेप दे लेते हैं, आप किसी भी ऐसे मतलब छेद कर सकते हैं जैसा आप चाहें। मतलब मैं तो एकदम हलवाई स्टाइल बना रही हूँ, तो बस ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे बालूशाही को ऐसे तैयार कर लिया है, अब हमें इसको फ्राई करना है। ये देखिए ये जो ऊपर क्रैक दिख रहा है ना, ये होने चाहिए, ज़रूरी है ये ऐसा होना, तभी चाशनी अंदर तक जाएगी। इसको एकदम चिकना नहीं करना है। तो उतने से आटे में आप देख सकते हैं इतनी सारी बालूशाही हमारी बनके तैयार होगी और चाशनी भी इसके लिए परफेक्ट है। तो तेल को फटाफट से रखेंगे और तुरंत ही हम इसको डाल देंगे। तेल को बहुत ज़्यादा नहीं गर्म करना है, आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा बॉल डाला है, तो ये कितनी धीमे धीमे से मतलब ये इसमें बबल्स आ रहे हैं, डालते एकदम ऊपर से नहीं आ गए। अगर आपको एकदम लेयर्स वाली खस्ता बालूशाही बनाना है ना, तो बस इतना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इसको फ्राई करते टाइम। और यहाँ पे है मेरी दूसरी गलती, इसमें मैंने क्या किया है कि बहुत सारा एक ही बार में डाल दिया है और ये फूलेंगी तो फिर ये देखिए इसका शेप थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। पर कोई नहीं, अब मैं इसलिए अपनी गलतियों को भी इसमें बता दे रही हूँ कि आप लोग ध्यान दीजिएगा और थोड़ा कम डालिएगा और उलट पलट के धीमी आंच से, आंच को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, धीमी आंच से हम इसको फ्राई कर लेंगे। और साइज़ में आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं और इसकी लेयर्स जो हैं वो अभी से ही इतनी अच्छी मतलब खुली खुली सी हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती। तो बस उलट पलट कर दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को देखने के लिए अपने चैनल तस्मिया की दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो इस पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है और थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटी आती है ना नोटिफिकेशन वाली, उसको ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लिया करें। इससे क्या होगा कि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना, वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और उधर मैंने चाशनी को रख दिया है हल्का सा गर्म होने के लिए। पहले मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँ, फिर उसके बाद चाशनी में डिप करूँगी। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा कलर आ गया है। चाशनी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना करना है, उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अपने गर्मा गर्म ये बालूशाही को। और देख सकते हैं आप बीच में कैसे बबल्स दिख रहे हैं ना, मतलब यही इंडिकेशन है कि बहुत ही अच्छे से ये अपने अंदर चाशनी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं रखना है, 3 मिनट तक हम एक साइड से अच्छे से मतलब सूखने देंगे, उसके बाद हम पलट देंगे। टोटल इसमें 5 से 6 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, बाकी के भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो मैंने जो 4 बचे थे ना, उसको मैंने एकदम छोटा छोटा सा फ्राई किया है। मैंने एक बार गलती की है तो दूसरी बार हमने सुधार लिया है और छोटे छोटे से बना के उसको भी धीमी आंच से फ्राई करेंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि गैस को ऑफ, जब दूसरा वाला डालें ना तो गैस को ऑफ कर दीजिएगा, जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाए फिर डालकर उसके बाद ऑन करिएगा। तो यहाँ पे बालूशाही बनके तैयार है। इसको थोड़ा सा मैं गार्निश कर देती हूँ पिस्ता की कतरन से। तो मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने ज़्यादा खस्ता हैं ऊपर से और अंदर से कितने ज़्यादा जूसी। तो हलवाई से भी अच्छी बालूशाही आप घर में बना सकते हैं, वो भी घर में बची हुई कुछ चीज़ों से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।